ये रास्ता मतलब बहुत दुर्गम है, लेकिन जो हमारी जो मंजिल है वो बहुत खूबसूरत है। ये सामने है मंडी का बस स्टैंड। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा। इन गलियों में से भूतनाथ टेम्पल जा रहे हैं। यहाँ से 42 सीटर की गाड़ियाँ जाती थी, लेकिन आजकल इसकी जो अवस्था है वो एकदम डेढ़ सीट है, तो सिर्फ 42 केजी का बंदा ही जा सकता है। नहीं, इसमें फिलिंग किस चीज की होती है? अखरोट की और अपनी टमाटर की चटनी है, ये पुदीने की, और ये जो वाइट कलर की चटनी है अखरोट और खसखस, ये अखरोट की बोल रहे हैं ये, और इसके अंदर जो फिलिंग है वो किसकी थी? खसखस की और अखरोट की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं मंडी जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है। तो अभी हम बहुत सुंदर लोकेशन पे खड़े हैं, देखिए हमारे पीछे। अभी हम इस वक्त जा रहे हैं अपने भाई के साथ, हमारे मासी जी के लड़के, जो हमें रिसेंटली पता लगा कि वो अभी घर आए हैं, तो आज वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनकी तरफ थोड़ा कैमरा लेके जाया जाए। हेलो भाई। तो भाई, आप हमें बताएंगे मंडी के बारे में, आपको लेके जा रहे हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है वहाँ का, क्योंकि हम इतना वहाँ गए नहीं है, तो आप बताएंगे आज हमें, ठीक है? आप कैमरा में कुछ बोले। मैं आपको मंडी के बारे में बताऊंगा। ये हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है और इसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी अब रोड ट्रिप प्लान के साथ, मैप के साथ, आपको मंडी में जो भी मंदिर हैं, भीमा काली देवी है, टाना देवी है, और भी जो बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे, उन सभी का दर्शन करवाते हुए सभी सब्सक्राइबर को वहाँ पे लेके जाएंगे। चलो तो चलते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मंडी है, जो मंडी शहर है, वो दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरी पॉपुलर लोकेशन जैसे चंडीगढ़ से वो लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। हम निकल चुके हैं मंडी के लिए, तो ये देखिए राघव और अभिषेक भी तैयार है। भाई राघव, इधर देखिए जरा। हेलो गाइस, लेट्स गो विद अस। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत सरका घाट से की थी, जो कि मंडी जिले की एक तहसील है। तो सरका घाट से मंडी का डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर है। अभिषेक भाई, यार ये जो रोड है ये ना कुछ सही सा नहीं है, इसमें पैचेस वगैरह बहुत है, और जैसा अभी देख रहा हूँ मैं चला रहा हूँ गाड़ी, तो बहुत से यहाँ पे मतलब कटिंग है रोड में, तो ऐसा क्यों है ये? ये भाई साहब ऐसे है क्योंकि मतलब जो एक सरका घाट तहसील है और जो मंडी जो है डिस्ट्रिक्ट है, तो दोनों को जो है ये रोड आपस में जोड़ता है। अच्छा। जैसे कि एक तार जो है दूसरे तार को जोड़ता है। तो ये रोड का जो मतलब एक जो मुद्दा है वो मतलब नॉट इवन हमारे हिमाचल के कोर्ट में मतलब ये चला हुआ है इसका, कि इस रोड को क्यों पक्का नहीं किया जाता। अच्छा। मतलब ऐसे ही आपको इस रोड में गड्ढे मिलेंगे, रास्ता मतलब बहुत दुर्गम है, लेकिन जो हमारी जो मंजिल है वो बहुत खूबसूरत है। तो मंजिल तो बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन रास्ते खतरनाक हैं। अगर ऐसे रास्ते में अगर ऐसे लोग आते हैं, मतलब जो पहाड़ी इलाकों से बिलोंग नहीं करते, तो उनके लिए मतलब टफ बन जाता है ये। हाँ। ड्राइव करना जो मेन जो इसका ये भी है, जो हिमाचल जो है ना वो टूरिज्म से मतलब बहुत पैसा कमाता है। अच्छा। अगर हमारे एरिया में अगर ये रोड जो है ऐसा जो डबल रोड हो जाए। अच्छा। तो क्यों ना हमारे सरका घाट में भी इतने सारे मतलब जो दर्शनीय स्थल है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक दो है, बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, तो एक कनेक्टिविटी बन जाए। एक रोड और अभिषेक भाई जो बिलासपुर वाली साइड से जाता है, तो वो रोड कैसा है, आपने देखा है? तो मतलब जैसे कि मक्खन के ऊपर स्लिप होते हैं ना। ओ वाही, बहुत अच्छा रोड है वो। अच्छा, जो बिलासपुर वाली साइड से जाता है तो वो बहुत अच्छा रोड है। लेकिन हम लोग जो अभी जिस रोड से हम लोग आए हैं, वो वाया उन्ना होके आता है, और उसका उन्ना से थोड़ा आगे जाहू से ऊपर को थोड़ा सा टर्न जाता है। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है हिमाचल जहाँ पे 6 मेडिकल कॉलेज है। अच्छा।
तो इस हॉस्पिटल के खुलने के कारण जो है मतलब बहुत सारा एक जो लोग मतलब ये वाला रूट जो है इधर से अगर हम राइट टर्न जाएंगे तो ये मनाली को भी जाता है। और अभी हम मंडी शहर में पहुंच चुके हैं, बहुत सुंदर खूबसूरत शहर। ये सामने है मंडी का बस स्टैंड, छोटा सा बस स्टैंड। ये मेन बाजार में ही है बस स्टैंड, मतलब आउट ऑफ द सिटी नहीं मिलेगा आपको, बीच में ही है। यहाँ से उतर के आप अपनी यात्रा का शुभारम्भ कर सकते हैं। मंडी में आप भीमाकाली मंदिर, टारना देवी टेम्पल, भूतनाथ मंदिर, गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी, इंदिरा मार्केट, विक्टोरिया ब्रिज, ऐसे बहुत से और भी फेमस प्लेसेस हैं जहां पे आप घूम सकते हैं। गाइस ये जो सीधा रोड गया है ये कुल्लू मनाली के लिए चला जाता है और हम यहां से शहर के लिए टर्न लेंगे। हम जाएंगे वो वाले टेम्पल, भीमाकाली टेम्पल। तो अभी हम इस वक्त खड़े हैं भीमाकाली मंदिर के बाहर और हम अंदर जाएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे भीमाकाली माता मंदिर माता के। चलो चलते हैं साथ में। दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं ब्यास नदी यहाँ पे बह रही है और ये एक ब्रिज है और सामने आप देख सकते हैं कि जैसे गुरुद्वारा है वहाँ पे। और यहाँ पे एंट्रेंस जहाँ से हम आए और चलते हैं मंदिर की तरफ ऊपर को। जय माता। दादा और पापा जी है ना वो इधर सरका घाट में है, यहाँ पे वो जमे पले है। पर हम जो है ना सरका घाट की कौन सी जगह पर जमे पले हैं? वो कंडियावल में। कंडियावल? हाँ जी कंडियावल। अच्छा सरका घाट से। ओ छोटी काशी है। और छोटी काशी कैसे बनी? क्योंकि यहाँ जो संकल्प लिया था उन्होंने पांडवों ने उस वक्त 80 ही मंदिर बन पाए यहाँ। 80 मंदिर? अच्छा अच्छा। उस संकल्प में 80 मंदिर बन पाए और दूसरी बार उन्होंने संकल्प लिया बनारस, वहाँ काशी मंदिर बना, वहाँ बड़ी काशी बनी। अच्छा। तो यहाँ जो ये जो काशी है, ये जो छोटी काशी है, इसमें पुराने जो मंदिर हैं उसी मंदिर। अच्छा। तो यहाँ पांडवों ने हिमाचल में, हिमाचल में क्यों आए? भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा हुई उनको कि वनवास और ज्ञातवास का समय कहाँ निकालें। हाँ जी। तो द्रोणता के साथ भी बड़ा कुछ हुआ, वो तो आपको पता है। तो द्रोणता के साथ जो चीज हरण हुआ, चीज हरण में द्रोणता जो है वो वस्त्रहीन होने से बच गए। तो उन्होंने सबसे प्रार्थना की पांडवों से प्रार्थना की कि बेटी हूँ, क्या किया? एक आदमी भी मारने वाला नहीं है। तो दोनों भुजाएं बढ़ाई और दोनों भुजाओं से पकड़ा और खड़ा कर दिया। माँ चाहे तो बच्चे को कहीं से भी हटा सकती है, माँ हटा सकती है, अगर कोई हटाए तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो माँ ने दोनों भुजाओं से पकड़ा और भीम को खड़ा किया। भीम को लगा कि माँ मुझे अलग कर दी, और जब खड़ा किया तो भीम ने कुछ नहीं देखा, माँ की छाती से चिपक गया। छाती से चिपके माँ ने कहा क्या कर रहे हो भीम? बोले वही कर रहा हूँ जो बच्चे की ड्यूटी है। माँ के चरण छूट जाए तो माँ की छाती से चिपक जाए, ये बच्चे की ड्यूटी बनती है। राज माँ के साथ कौन चिपकता है? कोई नहीं चिपकता। आजकल कामना मैं पूर्ण करूँगी, आपके नाम से भी ज्ञात होंगी और मेरा नाम भी भीमाकाली होगा। जो इस दरवाजे पर आएंगे उनके पापों को, उनके तापों को,
उनके शत्रुओं का नाश करूंगी। ठीक है, तो मेरा नाम भीमा काली होगा, भीमे नाचिता देवी सी भीमा काली मम्यहम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा। ये मंत्र तो सभी बोलते होंगे आप, इसका मतलब का पता है आपको? है पता? बताऊंगा वैसे सबको, है ना? अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ। जयंती, जयंती हुई जन्म, जयंती जन्मदिन, जयंती मंगला काली मंगल करने वाली, भद्रकाली अभद्र से बचाने वाली, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। भीम ने बोला कपाल लेकर के मेरी माँ आएगी, कपालिनी, कपालिनी भी मैं होंगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, मेरे हाथ में कपाल है और जो शत्रु नहीं मानेंगे उनका संहार करूंगी और उनका रक्तपान करूंगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा, दुर्गा नाम भी मेरा, क्षमा जो कहीं माफ ना होता हो वो इस दरवाजे पर जो आएगा उसको माफ करूंगी। दुर्गा क्षमा शिवा, शिव की अर्धांगिनी पार्वती मेरा नाम है। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, जो बच्चे को माँ जन्म देती है ना तो माँ उस वक्त बेहोश हो जाती है, तो जन्म धात्री जो होंगी चढ़ाने तो धात्री मेरा नाम होगा, दाई का काम करूँगी। ठीक है ना, बच्चे का लालन पालन करूँगी। तो ये जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा, जो नव दुर्गाओं में जो की पूजा करते हैं वो सब मेरी पूजा करेंगे, वो मैं दुर्गा भी नहीं हूँ। दुर्गा क्षमा, जो कहीं माफ ना होता हो उसको मैं माफ करती हूँ। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, स्वाहा नाम मेरा होगा, देवताओं के साथ मैं स्वाहा नाम से पूजी जाऊंगी और पितरों के साथ मैं स्वतः नाम से पूजी जाऊंगी। तो आप पूजा भी करते होंगे घर में, हवन भी करते होंगे, करते होंगे नहीं करते होंगे तो 6 महीने के बाद एक बार घर में हवन होना जरूरी होता है। और स्वाहा और स्वधा, स्वाहा नाम है देवताओं के साथ, स्वाहा करते हैं हवन करते हैं तो स्वाहा नाम से पूजी जाऊंगी, और पितरों के साथ श्राद्ध होते हैं ना उसमें मैं स्वाहा स्वधा नाम से पूजी जाऊंगी। मेरा नाम यही होंगे, जो इन नामों से मेरी पूजा करेंगे और मेरी याचना करेंगे उनके मैं पापों को, तापों को और उनके शत्रुओं का नाश करूंगी। जय माता। ठीक है, जय माता दी। क्या क्या नाम है आपके, क्या नाम है? मेरा नाम अभी हम इस वक्त खड़े हैं टारना माता जी के मंदिर के बाहर। तो अभिषेक आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? जो मंदिर है वो बहुत सुंदर है, आप अंदर आइए इसके दर्शन करिए। चलो चलते हैं, आ जाओ। बंगाल से एक सैन फैमिली हिमाचल प्रदेश में आई। अच्छा, जिन्होंने जगह जगह अपने राज्य स्थापित किए। हाँ, मंडी में राजा श्याम सैन ने राज्य स्थापित किया। हाँ, तो उस वक्त मंडी शहर सारा जंगल होता था। हाँ जी। तो राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक होता था, तो अपने महल में टेलीस्कोप से शिकार देखते थे। एक दिन जो इस पहाड़ी में शिकार देख रहे थे तो उनको यहाँ 3 कन्या नजर आई। जब राजा यहाँ आया तो कन्या लुप्त हो गई। फिर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए कि हम 3 माताएं महाकाली, महा सरस्वती और महालक्ष्मी, हम इस पहाड़ी में पिंडी रूप धारण कर रहे हैं, आप यहाँ खुदवाई कीजिए और आपको एक त्रिमूर्ति मिलेगी। फिर राजा ने खुदवाई की, शुभ भोग तीन चीज रहने को, महाकाली, महासती, शुभ भोग ने फिर राजा ने छोटा मंदिर बनाया, दरवाजा सामने रख दिया। हाँ, जो दर्शन लगे करने लगे वो मूर्छित होने लगे। तो राजा को फिर माता ने स्वप्न में दर्शन दिए कि मेरे दर्शन साइड से हैं, इस दरवाजे को बंद कर दो। अच्छा, राजा ने बड़ा ही मंदिर बना दिया। फिर उस वक्त का ये दरवाजा उस वक्त पहले अच्छा अच्छा लकड़ी का, फिर भी गोल्ड का पूरे बना 17 BC। अच्छा, thank you.
गाड़ी पार्क कर दी है और हम अभी पैदल इन गलियों में से भूतनाथ टेम्पल जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए कैसे, ये है मंडी की गली है। तो बेटर हम यही कहेंगे कि आप अगर नहीं जानते हैं कि मंदिर कहाँ पर है तो आप पूछ पूछ के चले जाइए और मंदिर जरूर माथा टेकिए अगर आप मंडी आते हैं। सामने जो आप देख पा रहे हैं ये है विक्टोरिया ब्रिज। पहले यहाँ से 42 सीटर की गाड़ियाँ जाती थी लेकिन आजकल इसकी जो अवस्था है वो एकदम बेनिसन है, तो सिर्फ 42 kg का बंदा ही जा सकता है। नहीं यार, रहा पहले नहीं, ये लकड़ी का बना हुआ लोग जा सकते हैं, पहले ये लकड़ी का बना हुआ था। अच्छा ये वाला नीचे से था उसकी स्पोर्ट लकड़ी से। दोस्तों दिन भर की थकान के बाद अभी हम लोग बैठे हैं इंदिरा मार्केट में और अभी हमने ऑर्डर किए हैं ये देखिए हिमाचल की स्पेशल डिश सिड्डू। तो अभी हम लोग खाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे होते हैं ये टेस्ट में। तो ये अभिषेक जी ने एक बाइट ले लिया, बताइए भाई साहब कैसा लगा? बहुत अच्छा। ओके राघव कैसा लगा? सही था भैया। आपने मोमोज? हाँ मैं मोमोज एक प्लेट करती हूँ। फिलिंग किस चीज़ की होती है? अखरोट पोस्त। अखरोट की और पोस्त की? हाँ पोस्त की। वो क्या होता है? खसखस। अच्छा अच्छा, वेजिटेरियन ही है ना मैडम? बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल सिंपल है। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। मैं पहली बार खा रही हूँ। नहीं नहीं, ये जो आप खा रहे हैं अखरोट की चटनी है। अच्छा कौन सी? वाइट वाली। ये अखरोट की चटनी है? ये भी खाओ, ये भी खाओ। ये किस चीज़ की है? ये दही पुदीने की है। ये पुदीने की है। और ये वाली लहसुन की? ना सिंपल टमाटर। ठीक है टमाटर। भाई तुम आगे डे लग गए हो। खुद बनाई है? खुद अपने आप। अरे भाई बढ़िया लग गए, मैं तो खा दी रही थी पहले। ये चटनी टमाटर की चटनी है, ये पुदीने की, और ये जो वाइट कलर की चटनी है अखरोट और खसखस, ये अखरोट की बोल रहे हैं ये। और इसके अंदर जो फिलिंग है वो किसकी थी? खसखस की और अखरोट की। अखरोट की। तो दोस्तों अभी हम लोग मंडी घूमकर वापस आ गए हैं, जा रहे हैं घर की तरफ। तो ये देखिए अभिषेक भाई हमारे साथ पीछे और ये राघव भाई ड्राइव करते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें यार। यस, और कमेंट भी करें। कमेंट करना ना ही भूले। और जो हमारे चैनल पे नए हैं भाई वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।